नमस्कार, आप लगातार रोटीन देख रहे हैं और मैं जीतन। इस वक्त हम देवघर मंदिर के पास हैं। यूँ तो सुल्तानगंज से देवघर पैदल चलकर जितने भी कांवरियाँ आते हैं अलग अलग वेशभूषा में आते हैं, लेकिन एक ऐसे लोगों की, श्रद्धालुओं, कांवरियों की टोली है जो 54 फीट का कांवर पटना जिला से लेकर सुल्तानगंज से देवघर पहुँचे हैं। उसकी तस्वीर दिखाएंगे और इसकी क्या वजह रही है, कितने दिनों तक पहुँचे हैं, कब पहुँचे हैं, चलिए जानते हैं। कांवर 54 फीट की लंबी कांवर है। ये सन 2007 से जा रही है और सन 2007 में ये कांवर सुल्तानगंज से देवघर 15.5 घंटा में बाबा वैद्यनाथ डाक कांवर आए थे, और 2008 में भी ये दोबारा डाक कांवर आई थी 17.5 घंटा में। उसके बाद से ये कांवर 54 फीट का कांवर, 54 फीट लंबी कांवर, ये बाबा वैद्यनाथ 54 घंटा के अंदर में मंदिर प्रांगण प्रवेश करती है। वहाँ से कब चले थे? वहाँ से हम लोग बुधवार को चले थे। कितने लोग लेकर चले? यहाँ करीब हम लोग में 600 संख्या है, 600 का ग्रुप है। बारी बारी से लोग कंधा जी, एक बार में 9 आदमी कंधा देते हैं। क्या वजह रही है कि इतना लंबा कांवर लेकर चले? ये हमारे अध्यक्ष विनोद जी हैं, विनोद जी उनका नाम है, पटना सिटी के रहने वाले हैं। वो प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार हर सप्ताह डाक डालते थे। सन 2007 में उनकी डाक कांवर फेल हो गई थी और वो बहुत दुखी हो गए थे, जिसमें उन्होंने स्वप्न देखा था कि एक लंबा कांवर की को हम कंधा पर लेकर जा रहे हैं और कंधा पीछे झुका हुआ है। इसी को साकार करने के लिए जितना भी डाक कांवर थे पूरे बिहार में सबको बैठाएं, और बैठाने के उपरांत उन्होंने मीटिंग एक सभा की। सब कोई बोले कि हम लोग डाक जाते हैं, इस कांवर को डाकी सफल किया जाए, और बाबा के आशीर्वाद से ये सन 2007 में डाक गया और 2008 में सॉरी डाक गया और 2009 में भी डाक गया। उसके बाद ये कांवर जो है 54 घंटा में, तब से हर साल 54 घंटे में आती है। कौन जिला से आप लोग? पटना जिला से। आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि 54 फीट का कांवर ये लोग लेकर पहुँचे हैं, क्या इनकी मान्यता रही है, क्यों पहुँचे हैं? देवघर से लगातार रोटीन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।